यूपी जिला पंचायत में पहली बार अयोध्या में खिला कमल। शनिवार को हुए चुनाव में भाजपा की रोली सिंह ने अयोध्या में कमल खिलाया। नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी, अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री के लिए ले जा रहे हथियार उपकरण बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। कल अमेजोन का सीईओ पद छोड़ देंगे जेफ बेजोस। सीईओ पद छोड़ने के बाद भी बने रहेंगे अमेजोन के कार्यकारी अध्यक्ष। एंडी जैसी अमेजोन के नए सीईओ होंगे। महाराष्ट्र के पालघर में भारत केमिकल्स की फैक्ट्री में विस्फोट, कई लोग हुए घायल। मिथाली ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली महिला बनी। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में नाबाद 75 रन की पारी के दौरान इंग्लिश बल्लेबाज शार्लेट एडवर्डसन को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 10,273 अंतर्राष्ट्रीय रन है। महिला क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ मिथाली व एडवर्डसन ने ही 10,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए। सांप्रदायिक द्वेष फैलाने के आरोप में ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में 75 में से 67 सीटों पर बीजेपी की प्रत्याशियों की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा है कि बीजेपी की जीत का श्रेय सीएम योगी को जाता है। ओलंपिक्स में राज्य के पदक विजेताओं के लिए झारखंड के सीएम ने की नगद पुरस्कार की घोषणा। गोल्ड मेडलिस्ट को 2 करोड़, सिल्वर मेडलिस्ट को 1 करोड़, जबकि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 75 लाख दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के 9 राजनीतिक दलों को परिसीमन आयोग के साथ बैठक का न्योता दिया गया। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार बैठक 6 जुलाई को श्रीनगर व 8 जुलाई को जम्मू में होगी और इन बैठकों में हर पार्टी अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।